सारा और दानिश का ड्रीम प्यारे। सभी लोग इन दोनों को एक साथ देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ फैंस का कहना है कि अगर फिरोज होता सारा के साथ तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन मुझे लगता है कि दानिश तैमूर ज्यादा बेहतर है। दानिश तैमूर का भी राही जुनून चल बसा है और अब जो उनका नया ड्रामा आने वाला है सारा के साथ, उसका भी सभी बहुत इम्पेशन से इंतजार कर रहे है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तबाह हो गए ड्रामा कब आएगा, इस ड्रामे में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। एक मेगा ड्रामा आने जा रहा है एआरवाई डिजिटल पर जिसका नाम है तबाह हो गए। इसमें पहली दफा हमें सारा खान के साथ दानिश तैमूर देखने को मिलेंगे। इन दोनों को एक यूनिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी। दानिश तैमूर इसमें सरफराज का किरदार अदा करेंगे जो एक गरीब घर से ताल्लुक रखते है। सारा खान मिरहा का किरदार अदा करेंगी जो अमीर घर से ताल्लुक रखती है और एक शायर होंगी। मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी कि दानिश तैमूर को भी किसी ड्रामे में गरीब दिखाया गया, वरना हम उन्हें ज्यादातर ड्रामों में अमीर ही देखते हैं। बाकी स्पोर्टिंग कास्ट में हमें फैजा हसन सारा खान की वालिदा की तौर पर नजर आएंगी। रजा तालिश, नईमा भट्ट और समी खान भी देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को जंजबील असिम शाह ने लिखा है और एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है। ये आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन तले बन रहा है। इस ड्रामे की शूटिंग जारी है और उम्मीद है कि ये ड्रामा हमें सितंबर के आखिर तक देखने को मिल जाए। तो आप सब लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं तबाह हो गए ड्रामे को लेकर, और ये ड्रामा आप किसके लिए देखेंगे, सारा के लिए, दानिश के लिए या इन दोनों के प्यार के लिए? आप सबका जो भी फीडबैक हो आप मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।